पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से मायावती गायब थी, लेकिन 2024 के आम चुनाव को उन्होंने एक मुद्दे से गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना देंगी। ऐसे में उनके इस बयान के मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। दरअसल एक दौर में मायावती का गढ़ रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उनके हाथ से फिसल गया। ऐसा फिसला कि 2014 में उनकी पार्टी को लोकसभा में 0 सीटें आईं। कहा गया कि हाथी ने अंडा दिया है। उसके बाद से हुए तमाम चुनावों में मायावती की पार्टी कभी रिकवर नहीं कर पाई। ऐसे में यहाँ पर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि इस वादे से क्या बीएसपी के मायावती के चुनावी भाग्य पर कोई असर पड़ेगा? वैसे वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग आज की नहीं है। 2007 से 2012 तक मायावती जब यूपी के सीएम थी तब उन्होंने इससे जुड़ा एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। ऐसे में आपका एक सवाल ये हो सकता है कि उस रेजोल्यूशन में क्या था, उसका क्या हुआ? सवाल तो ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी जो अन्य बड़ी पार्टियां हैं वो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाए जाने के मुद्दे पर क्या राय रखती हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि एक समय यूपी को 4 राज्यों में बांटने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर यूपी को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इस राज्य का भला होगा या बुरा होगा, इससे कौन सी राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्विच। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 14 अप्रैल को अपने एक बयान में मायावती ने कहा कि वो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बना देंगी। उनके ऐसे बयान के बाद सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी ही इसके पक्ष में रही है, इस मांग के वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाए जाने के। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश की सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां कभी भी इस मुद्दे के समर्थन में नहीं रही हैं। हालांकि यूपी को अलग अलग हिस्सों में बांटे जाने की मांग और बहस आज की नहीं है, यूपी को 4 हिस्सों में बांटे जाने की बात कई बार हो चुकी है। चुनाव के समय ये बहस वापस होने लगती है, हालांकि मायावती को इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ये बात मैंने आपको बताई। उनके लिए मुद्दा इतना अहम है कि जब 2007 से 2012 तक वो यूपी के सीएम थी तब इसे लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया था। सीएम रहते हुए मायावती ने 2011 में यूपी विधानसभा में इससे जुड़ा एक रेजोल्यूशन पास किया था। हालांकि उस रेजोल्यूशन में यूपी को सिर्फ वेस्ट यूपी अलग राज्य नहीं बनना था, यूपी को तोड़कर रेजोल्यूशन में यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश को जिन 4 हिस्सों में बांटने की बात थी उनमें वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्ट यूपी और बुंदेलखंड शामिल थे। तब की मायावती सरकार का कहना था कि अगर यूपी को 4 हिस्सों में बांट देते हैं और 4 अलग अलग राज्य बना देते हैं तो सरकार के लिए राजकाज चलाना, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना बहुत आसान काम हो जाएगा। हालांकि ये रेजोल्यूशन अधर में लटक गया और इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि 2012 के चुनाव में मायावती हार गई और समाजवादी पार्टी जीत गई। तब से अब तक अखिलेश यादव 1 बार और योगी आदित्यनाथ 2 बार यूपी जैसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मायावती के अलावा बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में यूपी का जो बंटवारा है एक राज्य के तौर पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वैसे भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का अधिकार केंद्र के पास है, मतलब आसान शब्दों में समझे तो केंद्र सरकार ही नए राज्य बना सकती है। ऐसे में 2014 तक केंद्र की राजनीति में कई बार किंग मेकर की भूमिका में रही मायावती 2014 के बाद से केंद्र की राजनीति में हाशिए पे आ गई, बिल्कुल किनारे पर आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 में उनकी पार्टी का हाल ये था कि 80 सीटों वाले यूपी में उनकी पार्टी को 0 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में उनकी पार्टी को महज 10 सीटें मिली। वैसे यूपी जैसे किसी भी राज्य से किसी पार्टी के पास 10 लोकसभा सीटें होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेशनल पॉलिटिक्स में आने के बाद से पिछले 2 बार से 2014 से 19 और 19 से 24 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकारें रही हैं। 2019 में तो बीजेपी ने अपने बूते 303 सीटें जीती थी। ऐसे में मायावती की जो पार्टी उसके 10 सीटें जो है वो किसी काम की नहीं रही और यूपी के बंटवारे का उनका सपना सपना ही रह गया। वैसे आपको याद होगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती की बीएसपी और अखिलेश यादव की एसपी यानी समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था।
2019 के चुनाव में मायावती की पार्टी को जो 10 सीटें मिली थी उनमें से 3 सीटें उनको वेस्ट यूपी में मिली थी। वहीं अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी को भी अपनी टोटल 5 में से 3 सीटें वेस्ट यूपी में ही मिली थी। ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि मायावती के लिए वेस्ट यूपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे भले ही वेस्ट यूपी का अलग राज्य बनना मायावती के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपका एक सवाल ये हो सकता है कि बाकी पार्टियां इस मुद्दे से दूर क्यों भागती हैं। इसका जवाब यह है कि राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इन्हीं 80 सीटों की वजह से कहते हैं कि जो पीएम की कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब पहली बार पीएम का चुनाव लड़ने निकलते हैं तो वो यूपी की बनारस की सीट चुनते हैं, वहां से जीत के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके पहले भी भारत के ज्यादातर पीएम यूपी से ही लड़कर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इसके अलावा गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्य यूपी से ही सांसद बने हैं, यूपी से ही संसद पहुंचे हैं। इन्हीं वजहों से माना जाता है कि जिस भी पार्टी ने यूपी को क्रैक कर लिया, जीत लिया, उसके लिए सरकार बनाने का रास्ता एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसे में मायावती के अलावा कोई भी पार्टी, मतलब कोई बड़ी पार्टी, यूपी के बंटवारे के मुद्दे को कभी नहीं छेड़ती। हालांकि मायावती को इसमें काफी कुछ नजर आता है। वैसे पहले आपको सुनाते हैं कि इसमें जनता के लिए वो कौन से फायदे देखती हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में कही हैं। पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो यूपी की पूर्व सीएम मायावती के मुताबिक लोगों को इसमें ये सारे फायदे होंगे जो वो अपनी स्पीच में कह रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि बीएसपी का मानना है कि अगर वेस्ट यूपी को अलग कर दिया जाए तो कम से कम एक नए राज्य में मायावती की पार्टी का दबदबा रहेगा, वो अपना सीएम वहां पर बिठा सकेंगे सफलतापूर्वक। मायावती और उनकी पार्टी के अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी हैं या ऐसे सांसद हैं जो इस मांग का समर्थन करते हैं। जैसे कि 2011 में जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था यूपी को 4 हिस्सों में बांटने वाला, तब आरएलडी ने इसका विरोध नहीं किया था। वैसे भी आरएलडी वेस्ट यूपी को हरित प्रदेश बनाने के पक्ष में रही है। बीजेपी के सांसद संजीव बाल्यान हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। उनका मानना है कि वेस्ट यूपी को अलग राज्य होना चाहिए। उनकी ऐसी मांग को जाट वोट बैंक से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा उत्तरांचल से पूर्वांचल तक को डिवाइड करने की मांग कई सारे नेता उठाते रहे हैं। इनमें से कोई भी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा। अब बात करते हैं कि क्या इस वादे से मायावती को 2024 के चुनाव में फायदा होने की पॉसिबिलिटी है। इसका जवाब पॉसिबली नाम में है। वजह यह है कि उन्होंने अपनी स्पीच में खुद कहा कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तब वो ऐसा करेंगी। और मायावती की पार्टी का जो हाल रहा है 2014 के बाद से, उससे फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि केंद्र में वो किसी भी सरकार का हिस्सा बनने जा रही हैं। लेकिन कहते ये भी हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं एक तरफ साउथ का तेलंगाना जैसा राज्य है जिसके बनने के बाद किसी बड़े भ्रष्टाचार और स्टेट के बुरे हाल की कोई बड़ी व्यापक खबर नहीं आई। वहीं झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे तमाम राज्य हैं जिन्हें लेकर ये सवाल पूछा जा सकता है कि बड़े राज्यों को तोड़कर अलग करके जो इन राज्यों को बनाया गया उनका कौन सा भला हुआ। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड का आज की डेट में क्या हाल है। ये सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए ताकि जब कभी भी यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाए या वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाया जाए तो कम से कम ये साफ हो कि इन छोटे छोटे राज्यों के बनने से, अलग राज्य बनने से क्या बदल जाता है, किससे फायदा होता है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइए कि वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाए जाने या यूपी को 4 राज्यों में बांटे जाने पर जो आपका ओपिनियन है वो क्या है। और ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।